लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ये जानते हुए भी कि गुरुदेव परशुराम का क्रोध कितना रौद्र है, आपने उसे मृत्यु के द्वार पर धकेल दिया, परिणाम का थोड़ा भी भय आपके हृदय में नहीं आया? और कोई उपाय भी तो नहीं था राधा, कब तक अपने पुत्र के माथे पर चिंताओं को मौन बना बैठा देखता रहता, कब तक उसकी व्यथा को अपने दिनचर्या बनाकर सारथी होने की सत्यता को दोष देता रहता? स्वामी, उसे तो उस अपराध का दंड मिल रहा है जो अपराध उसने कभी किया ही नहीं। हे महादेव, हमारे पुत्र की रक्षा करना, किसी भी अनिष्ट से उसे बचाना। इसमें हमारे पुत्र का कोई दोष नहीं है प्रभु, यदि दोष है तो इस परंपरा का, जो शिक्षा जैसी पवित्र निधि के लिए जाति और गोत्र के अनुमति पत्र की मांग करती है। दोष उसका है जो शिक्षार्थी के ज्ञान की सीमा परखने से पूर्व इस बात पर दृष्टि डालते हैं कि उसने किस कुल में जन्म लिया। स्वामी, हमारा पुत्र कर्ण गुरुदेव के यहाँ कुशल से तो है? हाँ राधा, हमारा पुत्र अपनी साधना और तपस्या से गुरुदेव का प्रिय शिष्य बन चुका है। गुरुदेव की असीम कृपा है उस पर, वो हमारे पुत्र को अपना सर्वप्रिय कृपा पात्र कहकर संबोधित करते हैं। गुरु शिष्य के संबंधों की ये गरिमा यूं ही बनी रहे। मिथ्या परिचय के चक्रव्यूह में हमारा पुत्र कभी ना आए, ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है। यहां वारणावत में इतना समय बीत गया, आभास ही नहीं हुआ। पुरोचन, हम तुम्हारी सेवाओं से अति प्रसन्न हैं। धन्यवाद राजमाता। माताश्री, यहाँ का वातावरण भी कितना स्वच्छ है। जयेश माताश्री, हमें तो ऐसा लग रहा है कि बस यही हम अपना निवास स्थान बना लें और पुरोचन से अपनी सेवा कराते रहे। तुम्हारे भोजन का प्रबंध तो अति उत्तम है पुरोचन, तरह तरह के पकवान और मिष्ठान खिलाकर तुमने हम सबको प्रसन्न कर दिया। और तुमने जो सेवक दिए हैं वो भी अत्यंत परिश्रमी और स्वामी भक्त हैं, वो हमारी सेवा पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ कर रहे हैं। आप लोगों ने हमारा आतिथ्य स्वीकार करके हमें जो सम्मान दिया है उसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। किंतु अभी सेवा पूरी कहां हुई है पांडु पुत्रों? मुख्य सेवा तो अभी शेष है। बापू, वृषाली का विवाह वही होगा जहां आपकी इच्छा है। परंतु सत्यसेन, वृषाली की इच्छा को देखना भी आवश्यक है। वृषाली की स्वीकृति के बिना यह विवाह हम कैसे संपन्न कर सकते हैं पुत्र? परंतु इतने अच्छे विवाह संबंध को स्वीकार करने में वृषाली को क्या कठिनाई है? काशी नरेश के सारथी चित्रसेन का पुत्र कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं। बापू, यदि यह संबंध टूट गया तो इससे अच्छा जीवन साथी वृषाली को जीवन भर नहीं मिलेगा। हमें यह विवाह करना ही होगा। विवाह जीवन भर का साथ होता है पुत्र, उसमें कन्या की स्वीकृति आवश्यक होती है। वृषाली को हम इस विवाह के लिए कैसे विवश कर सकते हैं? इस अस्वीकृति के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य है। कारण है, कारण अवश्य है मां। वृषाली की नासमझी और उसका बचपना। वो इतनी भी ना समझ और बच्ची नहीं है सत्यसेन। कहाँ चले गए कर्ण? कहाँ ढूंढूं मैं तुम्हें? क्या तुम्हें मेरी बिल्कुल याद नहीं आती? सुकन्या, सुकन्या, मेरे कर्ण का कुछ पता चला? नहीं वृषाली, और विक्रत भी यहाँ नहीं है। कहाँ गया मेरा कर्ण? बस इतना ही पता लगा पाई हूँ कि किसी ऋषि के आश्रम में वे धनुर्विद्या सीख रहे हैं। आश्रम में? ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। Oh.
तुम्हारी उत्तरोत्तर प्रगति को देखकर मन हर्षित होता है। एक पिता के लिए इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है कि उसके पुत्र की धनुर्विद्या की चर्चा संपूर्ण पृथ्वी पर हो रही है, उसकी दानवीरता की गाथा जन जन में सम्मान के साथ कही जाती है। परंतु सौभाग्य के इतने अंशों के साथ साथ एक पीड़ा सदैव मेरे अंतर मन को बींधती रहती है। हाँ पुत्र, अपने ही पुत्र को श्रेष्ठता का इतना सम्मान पाते देखकर भी मैं मौन रहता हूं। ओम प्राणदाताय नमः। ग्लानी तो इस बात की है पुत्र कि मैं चाहकर भी तुम्हें अपना पुत्र कहकर नहीं पुकार सकता। यदि प्रश्न उठेगा कि तुम्हारी मां कौन है तो मुझे कुंती का नाम बताना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे इस उत्तर से कुंती की प्रतिष्ठा पर ग्रहण लग जाए। यही कारण है पुत्र कि मैं मौन हूं और पुत्र प्रेम के उस अमृतपान से वंचित हूं जिसके लिए हर पिता ललायित रहता है। जो सुख आज अधीरथ को प्राप्त हो रहा है पुत्र, वो सुख मुझे प्राप्त होता। वत्स, अपने पुत्र को हृदय से लगाने की ऊष्मा अमूल्य होती है, परंतु मेरा ऐसा सौभाग्य कहां, मैं इस असीम सुख से वंचित हूं। मौन रहना मेरी विवशता है पुत्र, मेरी विवशता है। ओम सूर्याय नमः। प्रणाम पूज्यवर। आयुष्मान भव। कहो वत्स अर्जुन, कैसे आना हुआ? मैं आपके समक्ष एक निवेदन लेकर आया गुरुदेव, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे इस निवेदन को अस्वीकार नहीं करेंगे। निवेदन की स्वीकृति तो निवेदन सुनने के पश्चात ही प्राप्त होगी वत्स, परंतु इसके पूर्व मैं तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। जिस कुशलता के साथ तुमने द्रुपद को पराजित किया वो तुम्हारी वीरता का द्योतक है। इस शिक्षा उपार्जन के लिए मैं तुम्हारे गुरु द्रोण की भी प्रशंसा के बिना नहीं रह सकता, जो कि मेरा शिष्य है। आपका आशीर्वाद और प्रशंसा पाकर मैं धन्य हुआ गुरुदेव। आज मैं तुम्हें अपने एक शिष्य से मिलाता हूँ जो कि एक होनहार योद्धा तो है ही, धनुर्वेद में अद्भुत कलाएं भी जानता है। शिक्षा के प्रति उसकी रुचि इतनी व्यापक है कि मैं उसे भीष्म और द्रोण के समक्ष रखने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। गुरुदेव, आपके मुख से किसी धनुर्धर की इतनी प्रशंसा सुनकर उससे मिलने की मेरी जिज्ञासा तीव्र हो उठी है। कहाँ है वो? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूं। वो अपने नित्य पूजन एवं सूर्य वंदना के लिए गया हुआ है, परंतु तुमने यहां आने का अपना प्रयोजन ही बताया वत्स। गुरुदेव, मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं। माता कुंती और हम पांच भाइयों की ओर से मैं आपको अपने यहां भोजन के लिए आमंत्रित करने आया हूं। आप अपनी सुविधानुसार पधारने की कृपा करें, हम आपको वाराणवत से लेने आ जाएंगे। हमें तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है, परंतु तुम लोग वाराणवत कैसे आ गए? हमारे ज्येष्ठ पिताश्री की ये इच्छा थी कि हम लोग एक छोटी अवधि के लिए वाराणवत में रहकर अवकाश का आनंद उठाएं, और उसके लिए भ्राता दुर्योधन ने एक भव्य भवन का निर्माण करवाया है, हम लोग उसी में ठहरे हुए हैं। तुम लोगों के संबंधों की कटुता समाप्त हो गई, मधुर संबंध पुनः स्थापित हो गए, ये तो हस्तिनापुर के लिए शुभ समाचार है। हस्तिनापुर ही क्यों, संपूर्ण आर्यावर्त के लिए शुभ समाचार है। मैं अवश्य आऊंगा, मुझे तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार है वत्स। मेरे निमंत्रण को स्वीकृति मिल गई, आपकी आज्ञा प्राप्त हो गई मुझे, आप प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। हाँ, किंतु आपके शिष्य से मिलने की साध है मुझे, और मैं उसे अवश्य मिलूंगा, किंतु अभी आपकी आज्ञा चाहूंगा। प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो वत्स।
तुम ही हो आचार्य परशुराम के प्रिय शिष्य। हाँ अर्जुन, आचार्य द्रोणाचार्य ने तो मुझे शिक्षा ग्रहण करने के लिए अयोग्य सिद्ध कर दिया, और अब मैं उनके ही गुरु परशुराम से शिक्षा ग्रहण कर रहा हूं। किंतु आचार्य परशुराम तो ब्राह्मणों को छोड़कर किसी अन्य को अपना शिष्य बनाते ही नहीं, तो क्या कर्ण ने आचार्यों को अपना मिथ्या परिचय दिया है? क्या सोचने लगे अर्जुन, मेरे बाढ़ कौशल को देखकर क्या संकोच कर रहे? क्या तुम्हें अपने गुरु द्रोण की शिक्षा पर भरोसा नहीं रहा कि तुम कर्ण से द्वंद कर सको? अपना धनिष्ठा वर्ज, आज मेरे और तुम्हारे बीच हस्तिनापुर नहीं है, आज हमारे बीच गुरु द्रोणाचार्य के प्रश्नों की श्रृंखला भी नहीं है। आज ना तो कृपाचार्य हैं और ना ही उनका पुत्र। मार चलाओ अर्जुन, आज तुम्हें मुझसे द्वंद करना ही होगा। गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर घोषित किया है, आज मैं उनकी इस घोषणा को मिथ्या सिद्ध कर दूंगा। कर्ण, द्वंद से मैं पहले भी भयभीत नहीं था और आज भी नहीं हूं। मैंने तो रंग भूमि में भी तुम्हें द्वंद का खुला आमंत्रण दिया था। वो तो अपना सौभाग्य मनाओ कि उस दिन कृपाचार्य बीच में आ गए, नहीं तो मैं उसी दिन तुम्हारा ये भ्रम तोड़ देता कि शब्दों के बाण चलाना बंद करो अर्जुन, अपने तर्कश से बाण निकालो। आज इस बात का निर्णय हो जाने दो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है, तुम या मैं। सावधान अर्जुन। नहीं गया तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ देवान, हमें अपने इन अंशों को रोकना, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार से यह संग्राम कर रहे हैं, इसका परिणाम इनके लिए प्राणघातक भी हो सकता है। सूर्यदेव, इन्हें तो इतना भी आभास नहीं है कि इनका यह युद्ध कितना भयावह सिद्ध हो सकता है। इसके पूर्व की इनका यह संग्राम विनाश के द्वार तक पहुंच जाए, हमें कुछ करना होगा। काल रोक दो इस संघर्ष को। गुरुदेव,
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस मिथ्या अभिमानी अर्जुन को यह बता सकूं कि धरती पर इससे बड़े धनुर्धर हैं। कारण को निर्णायक युद्ध की इच्छा थी आचार्य, आज मैं इसकी इच्छा पूर्ण कर देता हूं। तुम दोनों में कौन श्रेष्ठ है इस बात का निर्णय मृत्यु पर्यंत भी नहीं हो सकता। कर्ण, अर्जुन, मैं आदेश देता हूं, तुम दोनों यहीं पर इस युद्ध को रोक दो।